करूं, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ कि व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। मैंने इसके ऊपर छोटी सी एक लेक्चर भी इसमें बनाकर आपको सेंड किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा। आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कि व्हाट इज़ वाउल, व्हाट इज़ कंसोनेंट। अगर जानता है तो वो मुझे जल्दी से बता दे, अदरवाइज मैं बताता हूँ फिर। पहले तो बताएं व्हाट इज ब्लैंक वर्स जो मैंने बताया था लास्ट टाइम। नहीं पता ब्लैंक वर्स क्या है? यानी ब्लैंक वर्स, इससे पहले लोग क्या लिख रहे थे, हीरो कॉपलेट में लिख रहे थे या वो कॉपलेट की फॉर्म में पोएट्री कर रहे थे, ठीक है। ये एक ओल्ड मेथड था, तो इसने कहा कि मैं थोड़ी सी न्यू प्रैक्टिस करता हूँ इसके साथ। तो डॉक्टर ये क्रिस्टोफर मार्लोव ने क्या किया, इसने उसको तोड़ के एक नया अंदाज दिया। कैसे? इसने उसको लिखा अनराइमिंग, यानी जो ये लिखता था वो अनराइम्ड होता था, लेकिन वो किस में लिखा जाता था, अनराइम। एक चीज़ उसके अंदर होती कि वो उसको क्या करता, मेट्रिकल उस आयम्बिक पेंटामीटर में लिखता, यानी आयम्बिक पेंटामीटर में होता है जो ब्लैंक वर्स होता है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाता है, बट नॉट राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम आप समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर जो पोएट्री करता है इससे पहले, यानी ये पोएट्री कहाँ से आई है, इटालियन एक राइटर था उसका नाम है, हो सकता है इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ी सी डिटेल दे दें। इटालियन एक राइटर था, उसका नाम था पेट्रार्क, ठीक है। ये सोनेट का कंसेप्ट कहाँ से आया, सोनेट का, सोनेट होती है 14 लाइन जिसके 14 मिसरे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोनेट 14 लाइन। तो इटालियन जो थे वो फॉलो करते थे, लिखने साथ साथ इटालियन फॉलो करते थे सिस्टेट को। सिस्टेट, सिस का मतलब जैसे सिक्स समझने होता है, जैसे 6 लाइन ऊपर, इसमें वो अपना प्रॉब्लम बताता और नीचे 8 लाइन का ऑक्टेव होता। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है 8, इधर इसका मतलब होता है 6, और 8 और 6 और सीधा ही उस हिसाब का उन्होंने बताया था कि ऊपर वो प्रॉब्लम बताते 6 लाइन में और नीचे 8 लाइन में वो प्रॉब्लम का क्या बताते, सोल्यूशन बताते। जो भी ऊपर प्रॉब्लम रेज करता और नीचे वो सोल्यूशन बताता। और सबसे पहले पोएट्री का कंसेप्ट किसने दिया, पेट्रार्क। पेट्रार्क इटालियन पोएट था और वो अपनी एक महबूबा से मोहब्बत करता था, उसका नाम था लोरा। लोरा नामी एक लड़की है, वो उससे मोहब्बत करता था, वो उसकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब शादी नहीं हुई, तो वो क्या करता रहा, उसकी मोहब्बत में लिखता रहा। ले लें स्नैपशॉट, लेना इसका ले। अब ये उसकी मोहब्बत में, लोरा की मोहब्बत में पेट्रार्क जो है लिखता रहा। यहाँ से दो इंग्लिश राइटर हैं, उनका नाम है वाइट और सरे। वाइट और सरे, वाइट सरे जो हैं, वाइट सरे ये दो इंग्लिश राइटर थे। ये दोनों एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द थे, यानी ये उस्ताद था, ये उसका शागिर्द था, ये उस्ताद था, ये टीचर था, ये उसका शागिर्द था। ये दोनों पोइट्री करते, ये क्या करते, उस पेट्रार को ट्रांसलेट करते रहे। ट्रांसलेट करने के साथ साथ सरे ने फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस की, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने पहले तो आगे 6 लाइन और 8 लाइन होती तो सीधा वो 14 लाइन की जो सोनेट है वो क्रिएट कर लेते थे, यानी ट्रांसलेशन पहले करते रहे। फिर उन्होंने थोड़ा सी एक्सपेरिमेंट किया, उसने सरे ने क्या किया कि 14 लाइन का एक क्वाटर्न बनाया, 4 लाइन का एक क्वाटर्न बनाया, 4 लाइन जिसमें होती है उसे एक क्वाटर्न कहते हैं, ठीक है। एक क्वाटर्न बनाया, फिर 4 लाइन का एक क्वाटर्न बनाया, 1 हो गया, 2 हो गए, कितनी, 8 होगी। फिर 4 लाइन का एक क्वाटर्न बनाया, कितने, 3 हो गए। अब 3 क्वाटर्न जो हैं ये देखें, टोटल मैंने बताया कि 14 लाइन होती है, 4 और 4 8 और 8 और 4 होती हैं 12, 12 तो ये बन गई। उसने फिर नीचे एक कॉपलेट डाल दिया 2 लाइन, ठीक है, उसने प्रैक्टिस की। अब शेक्सपियर ने इसको फॉलो किया, ये जो अंदाज है 4-4 लाइन का, 4-4, लेकिन असल जो है आया कहाँ से, पेट्रार्क से ही कंसेप्ट आया सोनेट का।
तो शेक्सपियर ने भी फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस की और आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा उसको। सारी उसकी पोइट्री किसमें होती? आयाम्बिक पेंटामीटर। इतनी समझ आ गई। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको डिस्कस कर सकेंगे। अब आयाम्बिक क्या होता है? आयाम्ब होता है कि अगर अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, यू से मुराद अनस्ट्रेस और इससे मुराद स्ट्रेस, ये अगर दो मिल जाएं, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो उसे कहते हैं आयाम्ब। क्या कहते हैं इसको? आयाम्ब। याद कर लें, अपने एक एक दफा दोहराएं। व्हाट इज इट कॉल्ड? आयाम्ब। अब इन दोनों का मिलाप हो यानी अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का, तो उसको क्या कहते हैं हम? आयाम्ब। लेकिन यही अगर ये इस तरह दो हो तो ये मिलके एक फीट बनाता है। एक क्या बनता है? ये फूट। एक फूट कैसे बनता है? अगर ये दोनों मिल जाए तो इसका कॉम्बिनेशन एक फीट कहलाता है, ठीक है। और स्ट्रेस जो है वो जितने स्ट्रेस यानी एक्सेंट्रेड या स्ट्रेस उसके अंदर होते हैं उनको मीटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक मीटर है। अगर इसी तरह अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस बन जाए तो ये दो मीटर बन जाएंगे, एक ये एक ये, यानी जितने स्ट्रेस उसके अंदर सिलेबल होते हैं उतने मीटर होते हैं। बात समझ आ गई। और इन दोनों का मिलाप ये क्या कहलाता है? अनस्ट्रेस स्ट्रेस का एक फीट। यहां तक किसी बच्चे को समझ ना आई हो, बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई नहीं बताता इन चीजों को। ना आपको कोई फीट बताएगा, ना आपको कोई मीटर बताएगा, ना आपको कोई ब्लैंक वर्स बताएगा, ना आपको कोई पोएट्री क्या होती है, क्या क्या होती है, प्रोज और पोएट्री में क्या फर्क होता है, कोई चीजें ये आम लोग ऐसे पढ़ाते तो जाते हैं रट्टा, लेकिन ये चीजें बताते नहीं। इसको लर्न करें प्लीज। अच्छा जी, इतनी समझ आ गई। मैंने बताया कि इन दोनों का मिलाप एक आयाम्ब कहलाता है। अगर मैं आयाम्बिक पेंटा का मतलब क्या होता है, कोई आप में से स्टूडेंट बता दे, व्हाट इज पेंटा? व्हाट इज पेंटा जल्दी से बताएं। नहीं पता तो मुझे बता दिया करें, मैं बता दूंगा। डू यू नो व्हाट इज पेंटा? पेंटा क्या? नहीं पता। पेंटा का मतलब होता है फाइव। आप देखें तो शेक्सपियर ने किसमें पोएट्री की है? शल आई कंपेयर दी टू द समर डे, शल आई कंपेयर दी टू द समर डे, यानी वो एक अनस्ट्रेस रखेगा दूसरा स्ट्रेस रखेगा। सारी पोएट्री किसमें करता है शेक्सपियर? आयाम्बिक पेंटामीटर में। अब मैं आपको बताऊंगा आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहां लिखता हूं अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, ये तो एक आयाम बन गया, ठीक है। ये मैंने एक क्रिएट कर दिया अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये दूसरा फीट बन गया अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तीसरा बन गया अनस्ट्रेस स्ट्रेस। पूरा तो लाइन कितने बन गए? चार बन गए। अनस्ट्रेस स्ट्रेस कितने बन गए? पांच। 1 2 3 4 5 ये है आपका आयाम्बिक पेंटामीटर। बताएं आज तक आप कितनी किताबें पढ़ते रहे, कहीं क्लियर हुआ था कंसेप्ट? की अब मैंने आपके सामने क्रिएट किया आयाम्बिक पेंटामीटर। जब कोई लाइन इस स्ट्रेस को फॉलो करती जाएगी, इवन मैंने आपको बताया जैसे डाडम, मैं कहता हूं डाडम, इस पे स्ट्रेस नहीं दे रहा, इस पे दे रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेस ये आ रहा है डडम 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 डडम, फिर डा, ये अनस्ट्रेस है ना, तो इस पे मैं देता हूं जो डम डडम 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 करता जाऊंगा, तो दिस इज कॉल्ड आयाम्बिक पेंटामीटर। शेक्सपियर ने इसी में पोएट्री की है, शल आई कंपेयर दी टू द समर डे, डे 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 मीन स्ट्रेस आ रहा है डे के ऊपर, शल आई, शल आई के ऊपर स्ट्रेस होगा, शल आई कंपेयर दी टू द समर डे, सो इट इज कॉल्ड आयाम्बिक पेंटामीटर। इसको कहते हैं आयाम्बिक पेंटामीटर। मैं फिर बताऊंगा बच्चों, जस्ट एमए इंग्लिश कर लेना काफी नहीं होता, उसको सीखना, उसके आइडियाज को सीखना, कहीं खड़े पे खड़े होके कोई 5 मिनट का लेक्चर तो डिलीवर कर सको, ताकि कहीं नौकरी तो मिल जाए, जॉब तो मिल जाए, जब वर्क ही नहीं आता तो जॉब कहाँ मिलेगी फिर,
पता होना चाहिए फीट क्या होता है, फुट क्या होता है, आईएम क्या है, ट्रोकेक मीटर क्या है, एनाफेस्ट क्या है, डैक्टिलिक क्या है, ये सारे मीटर्स हैं। आईएम्बिक मीटर है, डैक्टिलिक मीटर है, डैक्टिलिक उसका फुट है, ये फुट भी हमने, इसके फीट जो है ये क्रिएट करने हैं, इसको भी हमने लर्न करना। अभी मैं जस्ट आपको आईएम सिखाऊंगा, किस दिन पूरी एक मेरी एक पूरी असाइनमेंट मैंने बनाई है, वो भी आपको मैं टीच करूंगा कि ये क्या चीजें हैं, यू विल लर्न ऑल। तो ब्लैंक वर्स जो है वो फिर मैं बताता चलूं कि ब्लैंक वर्स बेसिकली अनराइम्ड एक पीस ऑफ पोइट्री है, अनराइम्ड, जिसके अंदर राइम नहीं होगी, जैसे ए बी साउंड सेम आनी जरूरी नहीं है, ऐसे जैसे यहाँ पे आया प्राइम स्लाइम, ये सेम साउंड आ रही है, ठीक है, क्राइम, ये सेम साउंड आ रही है, ये है राइम, ये राइम आ रहा है, ठीक। तो ये राइमिंग आनी जरूरी नहीं है, सेम साउंड लास्ट पे आनी जरूरी नहीं है, जस्ट उसमें ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए आपकी वो पोइट्री ब्लैंक वर्स में होगी, अंडरस्टैंड। ऐसी पोइट्री जो अनराइम हो बट इट फॉलोज आईएम्बिक पेंटामीटर, इट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। हैव यू गॉट द पॉइंट? किसी स्टूडेंट को यहाँ पे समझ ना आई हो, मैंने ये बताया है कि आयम्बिक पेंटामीटर उसमें फॉलो होगा, लेकिन राइमिंग स्कीम जरूरी नहीं है कि उसमें फॉलो हो, वो आपका ब्लैंक वर्स होता है। तो इसने वसी कर दिया, पहले तो वो क्या करते थे, दो दो लाइन का कॉपलेट बनाते थे, ऐसे ये दो लाइन फिर दो लाइन फिर दो लाइन फिर दो लाइन, इनको फॉलो करते रहे दम में, और बड़ा मुश्किल सा काम था, उसने इसको वसी कर दिया, आप जितना मर्जी आप लंबा ऐसे लिखते जाएं, जस्ट उसमें वो जो है रिदम फॉलो रखें, ये बात ये बात ये बात, और राइमिंग स्कीम ऐसे बुलानी ज़रूरी नहीं है। किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो मुझे बताएं, यहाँ आगे देखिएगा, व्हाट इज वावल, वावल क्या होता है, वावल का मतलब ये है कि आप साउंड जो है, वावल पांच जो हैं हमारे पास लेटर वावल है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये पांच, ये पांच तो हमारे पास वो हैं जो लेटर वावल, क्या है ये लेटर्स, लेकिन जो साउंड है इंग्लिश में वो टोटल जो साउंड है इंग्लिश के अंदर, आपसे पूछ ले कोई हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश, आप वहां उसके मुंह पे मुंह की तरफ देखते रहे तो आपको उसने फेल ही करना है, आप उसे बताएं कि 44 साउंड होती हैं टोटल, लेटर 26 हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो वावल हैं लेटर, और उसके बाद 21 जो हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये तो है लेटर की बात हो रही है, लेकिन जब आपकी बात होगी साउंड की कि कितनी हो मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप बताएंगे इसमें 20 जो हैं वो वावल साउंड है, 24 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये टोटल 44 होती हैं साउंड, साउंड और होती हैं, लेटर और होते हैं, हमने बात अब करनी है किसकी, ए ई आई ओ यू, लेटर्स जो हैं ऐसे लेटर या ऐसी साउंड जो आपके मुंह से जब आप प्रोड्यूस करते हैं कोई हर्डल ना आए वो वावल है, चले जी बोलें ए ई आई ओ यू, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, आप बोल रहे हैं, लेकिन सी कहें, सी कहें, सी तो आपकी जो टंग है ये जो है सी, आपकी हार्ड पैलेट या ऊपर जो एल्विलर रिज है उसको टच करेगी, ड डी टी टी डी सी, तो इस तरह कुछ कुछ रुकावट आपको फील होगी, ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी, आपका विंड पाइप से ये फ्लुएंटली नहीं निकलेगी कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये देखें मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बड़ी अच्छी लिखी है, स्पीच साउंड प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ एयर through man's windpipes and throat और गले से किस तरह निकले without hurdle, for example a e i o u, consonant क्या होता है, a speech sound produced by the passage of air through man's windpipe and throat with hurdle, जो hurdle के साथ निकले वो जैसे b c d f h, तो ये सारी क्या हैं, ये आपकी consonant हैं। अब syllable क्या होता है, कितनी beat हैं किसी के अंदर, साउंड बीट कितनी आ रही हैं, कंटेनिंग एट लीस्ट वन वावल इन इट, उसको हम सिलेबल कहते हैं, साउंड हिट ऑफ साउंड, यानी आज ये देखें हिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड वीक साउंड इज कॉल्ड अनस्ट्रेस। अब स्ट्रेस में और अनस्ट्रेस में क्या फर्क है देखें, जिसके ऊपर जोर आएगा जिस सिलेबल पे, सिलेबल होता है
पार्ट ऑफ वर्ड्स, वर्ड के जब आप उसके चंक बनाते हैं, टुकड़े बनाते हैं, तो उसको कहते हैं सिलेबल्स। लेकिन उसमें एक वावल जरूर होना चाहिए। मसलन मैं कहता हूं फर मिट, अगर इस पे जोर दे दूंगा तो ये वर्ब बन जाएगा, अगर इस पे जोर दे दूंगा तो ये नॉन बन जाएगा। तो पहले ये एक, ये इसका हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, तो ये इसे कहते हैं सिलेबल। एक इसका सिलेबल ये है और एक सिलेबल इसका ये है, दो सिलेबल है। और देखिए इसके अंदर भी वावल है, इसके अंदर भी वावल है। एक सिलेबल बनने के लिए उसे एक वावल अपने अंदर चाहिए साउंड के लिहाज से, नॉट लेटर, लेटर नहीं साउंड के। फर मिट, फर मिट, फर मिट, फर और मिट, ये दो है, ठीक है, ये दो सिलेबल है। तो सिलेबल में जिसके ऊपर आप जोर देंगे वो क्या आपका बन जाएगा, गौर से सुने, जिसके ऊपर जोर दे, मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर जोर दे दूंगा, इसे मैं कहूंगा एस स्ट्रेस, इसके ऊपर जोर नहीं दे रहा तो इसको मैं अन से कहूंगा अनस्ट्रेस। तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, अगर ये पांच मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन में तो आपका बनेगा आयम्बिक पेंटामीटर। बताएं यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट, किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम? कुरातुलैन कहीं प्रॉब्लम हो यहां तक जो मैंने बताया? चलें पॉइंट टू बी रिमेंबर, वी आर गोइंग टू डिस्कस मफिस्टोफिली रोल